हेलो टू ऑल गेमर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में भाई हम एक ट्रिक देखने वाले हैं। ये जो भाई ट्रिक है एक मिशन को लेके है जो कि है किल एन एनिमी फ्रॉम 200 मीटर्स अवे टू टाइम्स। तो भाई ये जो मिशन है ये रॉयल पास 13 में आया हुआ है एंड भाई एक सब्सक्राइबर ने मेरे से ये पूछा था कि भाई हम कैसे इजीली इस मिशन को कर सकते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि चलो इसका एक हम वीडियो बना देते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो दैट आई अपलोड। आई एम अपलोडिंग गेम प्ले वीडियो डेली इन दिस चैनल एंड माई टारगेट इज़ टू रीच एंड विन अ प्रोफेशनल टूर्नामेंट इन फ्यूचर। सो ऑल गेम प्लेज आर लिटल स्टेप्स, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ माई जर्नी इन यूट्यूब। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलो हम पहले देख लेते हैं कि मिशन जो है वो क्या है। तो इसमें मिशन देखने के लिए हम आरपीएस में जाएंगे और यहाँ पे हमको मिशन जो है वो दिखेगा, यहाँ पे किल एन एनिमी 200 मीटर्स अवे। तो ये वाला जो मिशन है वो ये है, 75 आरपीएस में मिल रहे हैं। तो भाई इस मिशन को करने के लिए आपको क्या करना है, भाई सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मिडल ईस्ट सर्वर एंड भाई सेलेक्ट करना है आपने FPP मोड और भाई ऑटो चेक को हटा देना है, मैप लगा देना है मीरामार और भाई ये सेटिंग ऐसे ही रखना, FPP मोड ही लगाना और स्क्वाड ही लगाना और भाई मैच स्टार्ट कर देना। और भाई यहाँ पे आपको ये सेटिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सेटिंग को आप प्लीज़ यही रखना। तो भाई यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है और भाई थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। तो मैं ऑलरेडी 3 बॉट को मार चुका हूँ, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्योंकि जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि भाई जो पबजी है वो तुमको जो तुम्हारे इनिशियल टायर्स होते हैं उस पर हमेशा बॉट ही देता है। तो अगर आप मिडल ईस्ट लगा रहे हो और अगर आप एशिया पे खेल रहे हो और मिडल ईस्ट लगा रहे हो तो आपको बॉट ही मिलने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस वाले सर्वर पे हमको एंड तक लास्ट सर्कल तक बॉट ही मिलेंगे। तो आपको बॉट ही बॉट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई स्क्वाड आपको आ जाएगी। मैं एक्चुअली में ऑलरेडी मिडल ईस्ट सर्वर पर पहले भी खेल चुका हूँ तो मेरे को एक दो बंदे मिलेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ही खेल रहे हो तो आपको बॉट ही मिलेंगे एंड सर्कल तक। तो यहाँ पे थोड़ा ग्लिच हो गया था, तो चलो हम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ पे मेरे को एक और बॉट मिला हुआ है। अब यहाँ पे हमको एक बॉट मिलेगा, अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने करना क्या है। अब जब आपको बॉट मिलता है तो आपने बॉट को नॉक करना है, जैसे नॉक करने के बाद बस आपने यहाँ पे मार्क लगा देना है जहाँ पे आपने इसको नॉक किया है और वहाँ से बस आपने कैसे भी करके गाड़ी में चाहे जैसे भी 200 मीटर तक भाग जाओ, वैसे दौड़ के चल जाओ कोई चक्कर नहीं है, फास्ट 200 मीटर ज़्यादा दूर भी नहीं होता है। बस नॉक करने के बाद आप निकल जाओ थोड़ा सा दूर। तो भाई इस ट्रिक इस वाले जो अगर आपने मिडल ईस्ट पे खेलते हो तो आप एशिया सर्वर लगा सकते हो, अगर आपने इन दोनों सर्वर पे खेला हुआ है तो आप कोई और सर्वर भी चूज़ कर सकते हो। तो पर इनिशियली आपको बॉट ही मिलेंगे, जो इनिशियल टायर्स होते हैं वो चाहे जो मर्जी सर्वर लगा दो आपको बॉट ही मिलेंगे, एंड सर्कल तक आपको बॉट मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले वीडियो में भी। चलो हम जल्दी से अब दूर चले जाते हैं यहाँ से, अब मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसके बाद। तो यहाँ पे सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है और यहाँ पे भी हमको बॉट ही मिल रहे हैं, ये सारे बॉट ही हैं, लग रहा है ऐसा प्लेयर है पर भाई प्लेयर नहीं है, बॉट ही हैं। ये देखो एक सामने एक और बॉट आ रहा है और उसके पीछे एक और बॉट दौड़ रहा है। तो आप आराम से यहाँ पे अपने सारे मिशंस जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। भाई ये इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूरी नहीं आप यही वाला मिशन, आप कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट मिशन है जैसे पिस्टल से किल करने हैं या फिर कोई और ऐसा मिशन है तो आप आराम से अपने सारे मिशन एक ही दिन में पूरे कंप्लीट कर सकते हैं इस वाली ट्रिक को यूज़ करके। बस आपने सर्वर चेंज करना है और FPP मोड लगा दो, क्योंकि FPP नॉर्मली कोई नहीं खेलता, न्यू बंदे भी होते हैं वो भी TPP ही स्टार्ट करते हैं, FPP कोई नहीं खेलता। तो इनिशियल टायर में तो आपको बॉट ही मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ पर जल्दी से
और बस मार्क करके आपको दूर जाना है, 200 मीटर से ज़्यादा दूर, बस मार्क लगा दो जहाँ पे भी किल किया आपने और दूर चल जाओ। तो यहाँ पे हमको अब एक और ये मेरे को तो लगता है रियल ही बंदा है, पर भाई यहाँ पे अगर आपको भी रियल भी मिलता है वो भी बॉट की तरह ही मिलेगा, क्योंकि इनिशियल टायर्स के बंदे बिल्कुल स्टार्टिंग के प्लेयर्स होते हैं जो इन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट की हुई गेम। तो अगर ये बंदा भी है तो ये बिल्कुल आपको बॉट की तरह मिलेंगे। अब हम बिल्कुल बहुत सर्कल जो है वो बहुत छोटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमको बॉट के जैसे बंदे ही मिल रहे हैं। आपके सारे मिशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं आराम से। अब हमको एक बॉट और मिलेगा यहाँ पे, हम उसको भी जल्दी से मार देते हैं। तो यहाँ पे हमको एक बॉट और मिलने वाला है और अब देख सकते हैं इतने छोटे सर्कल पे भी हमको बॉट ही मिल रहे हैं। तो हम जल्दी से फास्ट, तो भाई अब हम जीत चुके हैं मैच। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला मिशन हमारा पूरा हो चुका है। तो पूरी लॉबी जो थी बॉट लॉबी थी एक तरह से, तो कोई दो बंदे मिले थे सिर्फ जो रियल मैं बोल सकता हूँ, मगर वो भी ऐसे थे न्यू बंदे थे बिल्कुल। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा मिशन कम्प्लीट हो चुका है और ये हमारा, मैं क्लट कर लेता हूँ, मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इस ट्रिक को यूज़ करके आप और बाकी जो मिशन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो भाई ये था हमारा ट्रिक्स का वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू।